हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 29 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे टॉप 10 एमसीक्यूज 29 अगस्त 2020 के, यानी आज 29 तारीख है, 29 अगस्त 2020 है। और आज के जो टॉप 10 एमसीक्यूज हैं, यानी महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर के प्रश्न हैं, वह हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आज का मतलब यह होता है कि एक दिन पहले का जो मैटर है वह उठाया जाता है। डियर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारा ऐप एस के गुरुकुलम डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लें। आप प्ले स्टोर पर जाएँ, वहाँ एस के गुरुकुलम लिखें, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा और इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। करंट अफेयर से संबंधित एक अच्छा ऐप है, आपको पसंद आएगा। यदि आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जानते हैं आज 29 अगस्त 2020 के अंदर करंट अफेयर के अंदर टॉप 10 एमसीक्यूज में क्या कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 29 अगस्त 2020 की डेली करंट अफेयर्स। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस के वर्मा मैथ किंग और दूसरा यूट्यूब चैनल एस के गुरुकुलम सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ इन प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 28 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जनधन योजना ने अपने लॉन्च के कितने वर्ष पूरे किए हैं। आपने नाम सुना होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। अभी लॉकडाउन के बीच में महिला खातों में 500-500 रुपये आ रहे थे, तो वही यही जनधन खाता था। तो आपको बताना है कि 28 अगस्त 2020 को, 28 तारीख जो अभी अगस्त महीने में थी, तो 2020 को प्रधानमंत्री जनधन खाते ने अपने लॉन्च के कितने वर्ष पूरे किए हैं। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष और 4 वर्ष। सही आंसर आप कमेंट कीजिए। चलिए हम बता देते हैं आपको, सही आंसर है 6 वर्ष। 28 अगस्त 2020 प्रधानमंत्री जनधन योजना ने अपने लॉन्च के 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। देखिए 15 अगस्त 2014 की बात है, जब लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना की घोषणा की थी, और उसके बाद में 28 अगस्त 2014 को इसे लॉन्च कर दिया गया था। 14 के बाद में 15, एक साल, 16, 17, 18, 19, 20, तो इसे टोटल 6 वर्ष हो चुके हैं। आपको काउंट कर देते हैं, 14 से 15 1 ईयर, 15 से 16 2nd ईयर, 16 से 17 3rd ईयर, 17 से 18, 18 से 19 4th, 5th और अब 19 से 20 6th, मतलब 6 साल हो चुके हैं इस योजना को चलते हुए। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर आपको मिल गया होगा, 6 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आपके सामने 2 कथन हैं, आपने पढ़ने हैं, दोनों कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो पहला कथन देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की थी। तो अभी चर्चा की है कि पहले कथन में कि 15 अगस्त 2014 की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की थी, तो बिल्कुल सही कथन है पहला। दूसरा कथन, माननीय वित्त मंत्री द्वारा 26 मार्च 2020 को की गई घोषणा के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना
PMJDY, PM जनधन योजना JDY के महिला खाताधारकों के खातों में 3 महीनों अप्रैल 2020 से जून 2020 के दौरान 500 रुपये प्रति माह रकम जमा कराई गई। तो भाई लॉकडाउन में सभी ने लिए हैं, आपको पता होगा सभी को 500 रुपये खाते में आए हैं। तो दूसरा कथन भी सही है और पहला भी सही है, दोनों कथन सही हैं जी। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य। तो ये दूसरा कथन में ध्यान रखना, प्रधानमंत्री ये जो योजना थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 500 रुपये दिए थे, 1500 रुपये टोटल मिल चुके थे, 3 महीने आए थे। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं आपके सामने, 3 कथन है इस बार, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। पहला कथन देखिए, 1 सितंबर को वंदे भारत मिशन का 6ठा चरण शुरू होगा। तो आपको बता देते हैं बिल्कुल सही है, अभी 1 सितंबर जो आएगा, 1 सितंबर 2020 को वंदे भारत मिशन का 6ठा चरण शुरू हो रहा है, क्योंकि 31 अगस्त को 5वां चरण कम्प्लीट हो रहा है। सेकंड कथन, असम विधानसभा ने संविधान की 6ठी अनुसूची के दायरे में राज्य को लाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। विचार कीजिए इस सेकंड कथन पर, मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा आपको इसमें ये सही है या गलत है, फिलहाल आप इसको इस पर विचार करें। तीसरा कथन देखिए, तीसरा कथन है, हाल ही में अगस्त 2020 में असम मंत्रिमंडल ने असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी है, उपरोक्त कथनों में से सही है। तो आपको बता देता हूँ, पहला कथन बिल्कुल सही है, 1 सितंबर 2020 को वंदे भारत मिशन का 6ठा चरण शुरू हो रहा है, बिल्कुल सही है। सेकंड जो कथन है देखिए, असम विधानसभा में संविधान की 6ठी अनुसूची के दायरे में राज्य को लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, ये बिल्कुल गलत है। ये असम विधानसभा ने नहीं पारित किया, ये अरुणाचल विधानसभा ने पारित किया है, जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने संविधान की 6ठी अनुसूची के दायरे में राज्य को लाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। तो यहाँ असम नहीं आएगा, यहाँ अरुणाचल प्रदेश आएगा, यानी सेकंड कथन बिल्कुल आपका गलत है। थर्ड कथन, हाल ही में अगस्त 2020 में असम मंत्रिमंडल ने असम कौशल विकास विधेयक को मंजूरी दी है, बिल्कुल सही है, अभी मंजूरी मिली है इसे और असम ने दी है, ये कथन सही है, यानी पहला और तीसरा कथन सही है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट और थर्ड सही है, ऑप्शन नंबर ए आएगा, बिल्कुल ठीक है जी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर चार करने से पहले अभी तक आपको बता देते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, SK गुरुकुलम, आप इतना लिख लीजिए, पूरा नाम SK गुरुकुलम करंट अफेयर 2020 है, आप इतना लिख लीजिए प्ले स्टोर पर, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, नीले रंग का जो लोगो है वह दिखाई देगा, तो आप डाउनलोड करें, क्योंकि इस तरह के बेहतरीन प्रश्न हम डेली अपलोड कर रहे हैं, तो वो आपको पसंद आने वाला है, जो करंट अफेयर की तैयारी कर रहा है उस स्टूडेंट को तो बहुत पसंद आएगा, और अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड नहीं है, तो अभी इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाएं। प्रश्न नंबर चार देखिए, सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन पहला है, डच लेखक मेरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने 2020 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता और 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बन गई है। तो पहले कथन पर विचार करें, उन्होंने साहित्यिक फिक्शन बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए पुरस्कार जीता, दोनों कथनों पर विचार करें। चलिए हम बता देते हैं आपको, पहला कथन सही है, डच लेखिका है ये मेरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है, डच लेखिका मेरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने जीता है, 29 साल की उम्र है और रिकॉर्ड बनाया है, सबसे कम उम्र में यानी एक ये लेखक बनी है ये अवार्ड जीतने वाली। नेक्स्ट कथन है, उन्होंने साहित्यिक फिक्शन बुक
दे डिस्कॉम्फोर्ट ऑफ इवनिंग के लिए पुरस्कार जीता है। तो यानी बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों कथन सत्य। चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न, कौन सा देश 2021 में खेलो इंडिया गेम्स के दौरान ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करेगा? अमेरिका, चीन, जापान, भारत, कौन करने वाला है? तो सही आंसर है भारत। कौन सा देश 2021 में खेलो इंडिया गेम्स के दौरान ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करेगा? तो भारत मेजबानी करने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पर चलते हैं। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एस के वर्मा मैथ किंग और एस के गुरुकुलम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर छः, सही विकल्प का चुनाव करना है आपने। कथन पढ़िए। फर्स्ट कथन है, हाल ही में केविन मेयर ने टिकटॉक के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। ये अभी की लेटेस्ट घटना है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अमेरिका दबाव बना रहा था टिकटॉक पर, तो जो केविन मेयर है उन्होंने सीईओ का पद छोड़ दिया है। टिकटॉक संस्थापक झांग येमिंग है, तो ये चाइनीज़ है, ये बिल्कुल सही है। ये भी दोनों कथन सही है जी, दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन पर चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल अनुभव यात्रा को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एडोब के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो चार ऑप्शन हैं आपके सामने। चार ऑप्शन में फर्स्ट है एक्सिस बैंक ने, सेकंड HDFC बैंक ने, थर्ड यस बैंक ने और फोर्थ कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो आपको बताना है कि हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव यात्रा को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एडोब के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो यहाँ आंसर होगा HDFC बैंक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ है, सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला कथन है आपका, हाल ही में अगस्त 2020 में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद NCPUL द्वारा पुणे में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो पहले कथन पर विचार करें आप। सेकंड कथन है, इस दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संबोधित किया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य है या हैं? तो आपको बता देते हैं, पहला कथन गलत है जी, क्योंकि हाल ही में अगस्त 2020 के अंदर राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद NCPUL द्वारा पुणे में नहीं नई दिल्ली के अंदर विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पुणे गलत है, नई दिल्ली में किया गया है। दूसरा कथन सही है जी, इस दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संबोधित किया है। ये दूसरा सही है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों की परिषद IIT एलुमिनी काउंसिल ने भारत में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करने के लिए किस देश के लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी MSU और रूसोफ्ट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चार ऑप्शन हैं, चीन के साथ, जापान के साथ, अमेरिका के साथ, रूस के साथ। तो जो सही आंसर है, रशिया के साथ, क्योंकि पर्सन में ही क्लियर हो रहा था, मॉस्को दिया हुआ है, रूसोफ्ट भी दिया हुआ है, तो रशिया के साथ किया है, बिल्कुल सही है। आज की वीडियो का फाइनल प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरीके के बेहतरीन प्रश्न अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा ऐप SK गुरुकुलम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, वहां आपको इस तरह के बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे। चलिए दसवां प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन देखिए, कथन फर्स्ट है, राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के निदेशक डॉक्टर अकिल अहमद हैं, तो ये बिल्कुल सही कथन है। सुश्री सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए
47 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची में शामिल किया गया है। तो यह भी सही कथन है, दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है। यह भी बिल्कुल सही है जी। तो तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो यह था 10वां क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड्स, यह है आज 29 अगस्त 2020 के हमने टॉप 10 MCQs किए हैं, और हम बार बार में एक ही बात कह रहे हैं कि इस तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के लिए आप हमारा ऐप एस के गुरुकुलम डाउनलोड कर लें। गुरुकुलम के आप GURUKULAM एस के गुरुकुलम प्ले स्टोर पर लिखें, यह ऐप आपको मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य दें। तो आगे दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।